मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इन लाइनों को सच किया है रूपल राणा ने। रूपल के पिता जो हैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। रूपल मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में इन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई रूपल आपको सहारा समय की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। इतना टफ एग्ज़ाम है, आपने कैसे क्रैक किया इसे? क्योंकि जब बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, आपने कैसे क्रैक किया? मैम, मेरा ऐसा मानना है दैट जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं वो हार्डवर्क सभी करते हैं। हावेवर और इस एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी सारे हाई मोमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोज भी आते हैं, तो बस कंसिस्टेंट रहना एंड डेडिकेटेड रहना अपने गोल की तरफ आई थिंक इज़ दी की। अदरवाइज स्ट्रगल्स तो मैम सबकी लाइफ में आते ही हैं जो भी कोई इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। बहुत टफ टाइम भी था, आपकी माता जी नहीं रही तो इस दौरान काफ़ी मेंटल प्रेशर भी रहा होगा, कैसे आपने प्रिपरेशन किया? मैम, मेंटल प्रेशर से ज़्यादा मुझे लगता है दैट इंटरव्यू स्टेज के टाइम पे जब आई लॉस्ट माय मदर, सो उस स्टेज पर आई वाज नॉट इमोशनली वेरी बैलेंस्ड, सो वो एक टफ टाइम था मेरे लिए थोड़ा चीज़ों को कंटिन्यू रखना। हाउएवर क्योंकि मेरी मम्मी का भी ये सपना था दैट मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूं, तो इसी वजह से मैंने कंटिन्यू रखा, जितना मुझसे हो पाया अपना बेस्ट दिया एंड दैट इज़ हाउ आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया मेरा। यूपीएससी ही क्रैक करना है, ये कब आपने सोचा, कितनी उम्र थी आपकी और कब से आप तैयारी कर रही हैं? मैम, मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी उस टाइम पे मैंने सोचा था दैट मुझे इसके बारे में प्रिपरेशन करनी है, बट जो प्रिपरेशन रियली में शुरू हुई वो कॉलेज के बाद ही हुई मेरी सारी तैयारी शुरू। और मेरा ये फोर्थ अटैम्प्ट था, तो 4-5 साल की मैम इसमें हार्डवर्क था इस एग्ज़ाम में। आपके पिता जो है दिल्ली पुलिस में हैं और ऐसे में आपको किसी भी तरह का जो मोटिवेशन जो आपके अंदर आया होगा कि बहुत ही लगन से करना है, और पिता चूँकि पुलिस में हैं तो कहीं ना कहीं वो जो था प्रेशर था कि पिता पुलिस में हैं और अच्छा करना है लाइफ में, ऐसा कुछ था? नहीं मैम, मैंने कभी ऐसा प्रेशर नहीं लिया, बस ये था कि जो मैंने डिसाइड किया था मैं बस उसी के पीछे लगी रही, मैंने अपना डाइवर्ट नहीं किया अटेंशन या मैंने बाकी एग्ज़ाम्स नहीं दिए, सिर्फ मैं यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से रूपल ने बताया कि तमाम बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उम्मीद ना छोड़े, तैयारी करते रहे। दिल्ली से कैमरा मैन बैकुंठ के साथ श्वेता गुप्ता।